और हेलो दोस्तों, कैसे हो? और मैं अनीता रानी आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और भगवान से, माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब ठीक रहो। और ठीक होने चाहिए भैया, क्योंकि बीमारियां ऐसी चल रही हैं ना। आप सब अपना ध्यान रखना। सबको बुखार, जुकाम, खांसी, गले खराब, सब बहुत बुरी हालत है। तो इसलिए आप सब लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप सब ठीक रहो, अपना ध्यान रखो, अपने घर परिवार का ध्यान रखो। और मैं तो ना ऐसे कैप लगा के रखती हूँ सारा दिन। मुझे बहुत सर्दी लगती है, मुझे जल्दी कोल्ड हो जाता है। और अभी बुखार आया मुझे मेरे बेटे को, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई कोई भी। मैंने सोचा आप लोगों से बहुत दिन हो गए बात किए, आज मैं आप लोगों से मिल लेती हूँ, बात कर लेती हूँ। और थोड़ी सी मैंने शॉपिंग की थी, और कुछ मैंने कुर्ता फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, वो आ गया मेरा। मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा देती हूँ। मेरा ना मन नहीं लगता आप लोगों से बात किए बिना। और मेरा मन हो रहा था कितने दिन से कि मैं वीडियो बनाऊँ बनाऊँ बनाऊँ, लेकिन नहीं कर पा रही थी मैं, मुझे टाइम नहीं लगना था। कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जिसमें मन ही नहीं करता कोई काम करने को, तो इसलिए परेशानी हो गई थी मुझे भी। और हो जाती है, जीवन है ये, जीवन एक संघर्ष है, इसमें सब कुछ झेलना पड़ता है इंसान को, सब कुछ सहन करना पड़ता है। और बस यही है जीवन, जिंदगी इसी का नाम है। वो इंसान ही, भगवान है, जिसको कुछ दुख ना देखा हो जिंदगी में, वो तो भगवान ही हो जाएगा बस। कभी भगवान को भी दुख हुए थे, राम सीता को भी दुख हुआ था, उनको भी वनवास हुआ था। तो और आदमी है ऐसा ना, हम तो आम आदमी है, हम तो क्या कुछ सोचेंगे। और तो जो नसीब में होता है वो देखना पड़ता है, जो कर्म में होगा वो ही होगा, हमको कुछ नहीं पता है। जैसे भगवान चलाएगा हम लोग ऐसे ही चलेंगे। और अकेले ना मन नहीं लगता। फिर मैंने सोचा कि मैंने आज वीडियो, मैंने कई दिन से मैं सोच रही थी मुझे वीडियो बनाओ, लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी। फिर मैंने आज तो मैंने बना ही थी, मैंने सोचा कि बना देती हूँ। और शुरू में चलो मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ थोड़ी सी, जो मैंने की है। और मैंने सूट खरीदे थे तो मैंने वे भी सिलकाए, मैंने सोचा कि चलो वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। और ये देखो, मैंने फ्लिपकार्ट से ना कुर्ती मंगाई है। मैंने क्या, मेरे बेटे ने ऑर्डर की थी, मुझे तो पता भी नहीं था, आया ही जब पता चला मुझे, मुझे बताया भी नहीं और ऑर्डर कर दिया। तो साइज मेरे से पूछ लिया, मुझे नहीं पता था कि कुर्ती आएगी, लेकिन मुझे नहीं पता। और आज आई ना, तब रिसीव हुई, तब मैंने देखा, अरे भाई इसमें क्या। फिर फोन आया, मम्मी आपकी कुर्ती है, लो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, खोल के कैसी है मुझे देखती हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये, देखो मैं दिखा देती हूँ आपको, मैं भी दिखा देती हूँ आपको। सुना था तो क्या था, इसी तरह से नहीं आ पा रही थी। अरे कितनी प्यारी है, और लिबास की है ये, देखो लिबास लिखा है। लिबास के अच्छे नहीं बनते हैं कपड़े वैसे। अब इसको भी देखते हैं साइज वाइज, अभी मुझे कुछ नहीं पता कि कैसे क्या लिखा। एस एस लिखा हुआ है, स्मॉल साइज है। देखती हूँ आप लोग के सामने ही ओपन कर रही हूँ मैं। कॉटन की है, कुर्ती तो बड़ी अच्छी लग रही है। सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़ा है कॉटन का, ये कुर्ती तो अच्छी लग रही है। साइज साइज मुझे लगता है आ जाएगा, मुझे स्मॉल साइज ही आता है वैसे तो मुझे। अरे कढ़ाई कितनी प्यारी है ना, अच्छा गला है पूरा, ये देखो पूरे गले पे कढ़ाई हुई है, बड़ी अच्छी कढ़ाई है, बिल्कुल एकदम बड़ी अच्छी। और लिबास का है, कंपनी का है लिबास का, ये देखो है ना, अच्छी है। और यहाँ ना आस्तीन भी थ्री क्वार्टर बोलते हैं जिनको, यहाँ तक होती है जो वो है, ये पाइपिंग लगी है। और लेंथ भी ठीक है, आ जाएगी ये आराम से आएगी, क्योंकि ये यहाँ से साइज ठीक है, बिल्कुल एकदम अच्छी लगी मुझे। मेरे बेटे को वो ना आ गया खरीदना कपड़ा,
लगा रहता है, मम्मी ये ले लो, मम्मी वो ले लो, मम्मी एक ऑर्डर कर लो, मम्मी वो ऑर्डर कर दो, लेकिन मैं करती नहीं ना, इसलिए इसने सोचा होगा मम्मी ऐसे तो करेगी नहीं। और ना एक दिन मार्केट गए, तब वहां से शोरूम से मुझे ये इतना करा, इतना मम्मी 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 प्लीज ले लो, मम्मी प्लीज ले लो, मम्मी प्लीज ले लो। ये देखो गरम, ये बाहर ही जमा हुआ था, उसको बना रखा था जो बाहर पुतले खड़े रहते हैं ना उनपे उनपे डला हुआ था, वो देख लिया। हाँ मम्मी ले लो, मम्मी ले लो, मम्मी ले लो। ये भी पिंक कलर है, पिंक कलर को उसको मेरे की तरह बहुत ज्यादा पसंद है, मम्मी ये मम्मी ये। अब ना इसका साइज बड़ा है, इसका थोड़ा मुझे छोटा कराना पड़ेगा मेरे हिसाब से, थोड़ा चौड़ाई में लंबाई में तो ठीक है, चौड़ाई में थोड़ा और आस्ती नहीं है इसकी। अच्छा है ये भी, बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये तो पसंद बड़ी अच्छी है ये। ये देखो ये है पैजामा, पैजामा इसका यहाँ से ये ठीक होगा मुझे लगे, मैंने अभी डाल के तो देखा नहीं लेकिन मुझे लग रहा ठीक है भाई, कुर्ते की चौड़ाई थोड़ी ज्यादा है। और ये ना इसका स्टोल है, ये स्टोल है इसका, ये देखो कितना प्यारा स्टोल है ये तो। मम्मी ले लो प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, जब बेटा इतना कहता है क्या करूँ, इतना शौक चल रहता है ना मुझे सामान दिलवाने का बहुत ज्यादा है। ये देखो कितना प्यारा स्टोल है ये, लगा ना आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके मुझे बताना कैसा लगा, गर्म है ये। और ये देखो मुझे पर्स भी दिलवा मेरे बेटे ने, ये वाला बहुत दिन से देखता था शोरूम में गया, और पर्स 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 मम्मी पर्स मम्मी पर्स। और इसको ना ये देखो इसके ना अंदर भी एक वाली, ये वाली चैन है ये वाली, और ये अंदर इधर दो पॉकेट है मेरे पास, ऐसा दूसरा है वो लेविका है, और ना इधर भी एक पॉकेट है साइड में ये वाली, ये वाली पॉकेट है, तो इधर है एक, इधर है और एक बीच में लंबी, और ये बाहर है ये वाली। ये वाली और ये बड़े वाली पट्टी है, और ये छोटे वाली कैप रेंज का है ये। ये देखो ये लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा होगा शायद आप लोगों को, ये देखो अच्छा है पर्स का कलर भी, ढंग भी बहुत अच्छा है। मम्मी ले लो प्लीज प्लीज, मेरे पास था लेवी का वैसे, फिर भी नहीं मम्मी, नहीं मम्मी ले लो, मम्मी ले लो, खुद ही पसंद किया और खुद ही पैसे दिए और लेके चले गए, उनका अच्छा है। चलो लेती हूँ, बच्चा है मेरा बेटा, इतना करता है मेरे लिए, मुझे अच्छा लगता है। और ना सूट में ये बताई थी आप लोगों को, मैंने कपड़ा लिया था इनका, मैंने अभी प्रेस करके धोके, मैंने पहले इनको धोया चार पांच दिन में सूखे, आजकल आपको पता ही है मौसम कैसा चल रहा, बहुत खराब है, कई दिन में कपड़े सूखते हैं मशीन से सुखा के। ये तो है इसका स्टोल ये वाला, मैंने प्रेस कर दिन को, मुझे पहले दिखा दिन पहले मेरा वीडियो बनाने का मन हुआ, मैंने हाँ मैंने चलो दिखा देती हूँ। ये है सूट ऐसे ऐसा पीला, और ये है इसका पैंट, ये देखो ये पैंट ये वाली, मैंने कहा मैंने सिला लू कहीं, मेरे पास ना सूट कम थे, कुर्ते कुर्ते हो रहे, कुर्ते बिल्कुल मैंने हर जगह तो कुर्ते नहीं पहन सकते। और ये एक ये वाला है मेरा, ये तो स्टोल है, मैंने प्रेस करके रख दिया ना ऐसे ही, इसकी बड़ी छोटी सी तय हो जाती है ये, इसका ये वाला इसका बॉर्डर है स्टोल का ये वाला, खोल के दिखा देती हूँ मैं। और ना ये वाला कुर्ता है ये वाला, प्रेस ही ना मुझे खोलते थोड़ी बोरी, लो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये देखो ये वाला गला है इसका, और ये आस्तीन है, और ये पूरा आगे से ऐसे है, ये नीचे से बॉर्डर है ये, और पीछे भी ऐसा ही है ये देखो,
पीछे भी ऐसे ये फिर रख दूंगी प्रेस, तो कोई बात नहीं जाएगी, फिर रख दूंगी तय करके अच्छी तरह से। और इसकी ना मैंने सलवार बनवाई क्योंकि सलवार भी चाहिए। ये देखो ये मैंने सलवार बनवाई इसकी। चलो मैं आपको वो वाला ऊपर खोल के दिखा देती हूँ एक बार, है ना, बिना खोले फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता ना इतनी खाने में आप लोगों को। फिर मैं तय करके रख दूंगी। ये वाली इसके आस्तीन है, ये वाली ये गला है और ये दूसरी आस्तीन है और ये देखो गला। और इसमें ना अंदर थोड़ा थोड़ा काम है, थोड़ा थोड़ा सा मतलब प्रिंट अंदर डिजाइन समझ लो, प्रिंट समझ लो। ये वाला इस पे बॉर्डर है नीचे और ऐसा ही थोड़ा पीछे छोटा है थोड़ा बॉर्डर। ये वाला ये वाला बॉर्डर है, ये वाला दिखाई दिया ना आपको अच्छी तरह, ये वाला है। मैंने सोचा मैंने आप लोगों को दिखा देती हूँ तभी। ये मैंने शॉपिंग की थी, मैंने सूट सिला के धो के अपना रख दी, डालने पड़ जाए तो डाल लो फिर पहन लो, ऐसा ना कभी जरूरत पड़ जाए एकदम से पहनना पड़ जाता है कपड़ा। उसलिए तैयार करके प्रेस करके धो के मैंने रख दिए, चार दिन में सूखे। मौसम इतना खराब है कि कपड़े नहीं सूख रहे, घर में कहीं डालती रहती हूँ कहीं इधर कभी उधर, अब जींस है उधर डाली दीजिए तो चार दिन लग जाते हैं, मशीन से सुखा के भी चार दिन लग रहे हैं, ऐसा मौसम खराब। और आज भी बारिश आई हुई है और आज दिन है सैटरडे और तारीख है 22 जनवरी और आज यहाँ बारिश हो रही है सुबह से ही बिल्कुल मौसम खराब है। और ऐसे में कहाँ कपड़े, कपड़े तो धोए बिना काम चलता नहीं, रोज रोज धोने पड़ते हैं। लेकिन मैं डाल दी स्टैंड पे और जब सूख जाएंगे तो इधर उधर डाल दूंगी, सुखाऊंगी कुछ प्रेस से सुखाऊंगी क्योंकि बेटे को रोज जरूरत पड़ती है कपड़ों की, उसके तो प्रेस होने और वो तैयार करके रखने पड़ते हैं। तो बस मेरा यही था आज का वीडियो और मैंने आपको ये छोटी सी मेरी शॉपिंग थी वो दिखा दी और आप लोगों से बातें कर ली। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके मुझे बताना आपको मेरी ये छोटी सी शॉपिंग कैसी लगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर देना, जरूर आपका एक लाइक ना बहुत ज्यादा हो जाता है हम लोगों के लिए। और मैं सोच रही हूँ चैनल को शुरू कर तो दिया लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रही क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता वीडियो बनाने का, मैं बस ऐसी हो जाती हूँ, परेशानी हो जाती है कोई दिमाग में। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं आगे भी आपके लिए एक अच्छा ब्लॉग लेके आऊँ, अच्छी वीडियो बनाऊ और आप लोग उसको पसंद करो और मेरा सपोर्ट करो, मैं यही आप लोगों से उम्मीद करती हूँ। और आपको अगर मेरी छोटी सी शॉपिंग पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना और बता देना कि आपको कैसी लगी मेरी शॉपिंग। और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी, सब अपना ध्यान रखना, ठीक है, ओके बाय, टाटा, ठीक है।